वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, एक अदर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन है सभी के लिए इम्पोर्टेंट ही। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप सभी ने या फिर आप में से कुछ बच्चों ने एनटीपीसी का पेपर दिया होगा, रेलवे वाला जो पेपर हुआ है पिछले टाइम वो आपने दिया होगा। तो उससे रिलेटेड एक न्यू अपडेट जो है वो यहाँ पर आई है, वो ये है कि 11 अगस्त से और 21 अगस्त तक आपका जो है अकाउंट नंबर डिटेल्स जो है वो उन्होंने मांगी है। उसमें ये होगा कि जब आपने रेलवे का फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पर 500 रुपये ओबीसी और जनरल वाले जो बच्चे हैं उनसे लिए गए थे, 250 रुपये जो वो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट से लिए गए थे, ठीक है। अभी उन्हें रिटर्न करने का जो टाइम है वो आ चुका है, तो 11 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो वापस से वहाँ पर सबमिट करनी होगी, और सबमिट करवाने के बाद में ओबीसी और जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये और एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपये जो वापस कर दिए जाएंगे। मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो 11 अगस्त से चालू हो जाएगा। बैंक डिटेल्स भरना इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि इन 2 साल के पीरियड में अब बहुत सारे बैंक जो है वो मर्ज हो गए हैं, और मर्ज होने के कारण उनमें कुछ डिटेल्स जो हैं वो बदल चुकी हैं, इसलिए आपको ये जानकारी देना मैंने उचित समझा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।